क्या इसका मतलब? आपको अपनी जुबान से अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु ही परमेश्वर है और वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, आज मांगने वालों के लिए सब कुछ पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूं वो करेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम पढ़ते मरकुस 11:23, देखो क्या लिखा। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहा वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, कह रहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जाकर पड़ जा, अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे जो तू कहता है वह हो जाएगा। सारे बोलो जो तू कहता है वो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ नहीं है, हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको एक बार नहीं, आपको 120 बार भी बोलना पड़े, आपको बोलना है मैं चंगा हो गया हूँ यीशु मसीह के नाम में। करा हो गया हूँ, करा कि आपको करा कि कहना है बार बार कि मैं चंगा हो गया हूँ। इसका मतलब उसने कहा अगर जैसा तू कहता है वैसा तेरे लिए हो जाए। एक बार ऐसा ही एक आदमी मेरे पास आया और वो मुझे कहने लगा, करा प्रॉफिट मेरे लिए दुआ कर दे कि मैंने इंग्लैंड जाना है। और उसी समय पता नहीं क्या हुआ, मैं उसके लिए दुआ करनी भूल गया, अपने सिर पे हाथ रख के अपनी दुआ कर लिया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे इंग्लैंड की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, मुझे वीजा दे। और उस समय वो भाई बोला, कह रहा पाल साहब जागो जागो क्या कर रहे हो। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैंने अपनी दुआ कर लिया। मैंने कहा चल तेरी दुआ करता हूँ। और उसके बाद जब मैं मेरे को किसी ने कहा कि यूके का वीजा लगा, जब मैं यूके का वीजा लगाने के लिए गया तो मेरे सामने एक पहाड़ खड़ा था। कौन पहाड़? कौन था वो पहाड़? कह रहा है जिस दुकान पर मैं गया, जिस एजेंट के पास मैं गया, वो मेरे सामने आदमी पहाड़ जैसा था। मुझे बोलता है बैठते ही, कह रहा आपका वीजा नहीं लगना। मैंने कहा बेवकूफ कहीं का, मैं प्रार्थना करके आया हूँ और ये मेरा मनोबल गिरा रहा है। और उसी समय फिर उसने कहा, कह रहा आपके पास, कह रहा मैंने देख लिया आपके पास बैंक में कितने पैसे हैं। मैंने कहा 1000 रुपए। कह रहा कम से कम 4-5 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख तो कंपलसरी है, 2 लाख तो होने चाहिए और 3 महीने की एंट्री होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं है। कह रहा आपके पास कोई प्रॉपर्टी है? मैंने कहा होती तो तेरे पास क्यों आता, मैं खुद चला जाता ट्राई करने। कह रहा नहीं है। मैंने कहा नहीं है। कह रहा नहीं है। करा अब आपके ऊपर वीजा कैसे लगेगा? वीजा नहीं लग सकता। आप फोटो लेकर आए हो? मैंने कहा नहीं लेकर आया, फोटो तो खींच लियो। लेकिन बोलता है, कह रहा कि आपके डॉक्यूमेंट इतने खराब हैं कि आपको कभी वीजा मिल ही नहीं सकता। उसने मुझे निराश कर भेज दिया। लेकिन मैंने उसको कहा ये पासपोर्ट रख और तू ट्राई कर। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसके सामने कह रहा था, मैं बार बार इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा पहाड़ उखड़ जा। मैंने कहा वो जो मेरे पासपोर्ट को देखेगा ना, मेरे कागज देखेगा, उसके सामने से कह रहा उसको धुंधला दिखाई देगा। उसको दिखाई नहीं देगा, और उसको दिखाई देगा उसमें खाते में पैसे दिखाई देंगे, तू चिंता ना कर, उसमें सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। मैंने कहा सारी स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी आज रात। बोल रहा ये क्या बोल रहे आप? मैंने कहा ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। क्या ये? कह रहा कहां से आए हो आप? मैंने कहा मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। कह रहा कौन हो आप? मैंने कहा मैं पादरी हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं प्रोफेट हूँ। कह रहा इतना बड़ा विश्वास? कह रहा फिर तुम्हारे विश्वास में ट्राई करके देख लेने हैं। मैं कहा चल तू ला। मैं कहा बेटे, मैंने कहा देख वीजा लगेगा। बोलता ठीक है। और उसके बाद पांच दिन के बाद फोन करके बोल रहा है उन्होंने एक्सेप्ट पता नहीं कैसे कर लिया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट थे, मैंने तो फाइल भरी थी लेकिन उन्होंने ले लिया। मैंने कहा बस तू 14 दिन का इंतजार कर, ये 14 दिन के बाद तू मुझे मिठाई खिलाएगा। कह रहा नहीं मैं नहीं खिलाता मिठाई किसी को। मैंने कहा तू खिलाएगा। और उसने मुझे फोन किया, कहता मिठाई का डब्बा मेज पर पड़ा, जल्दी आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ मेरा विश्वास था। आपका विश्वास आपको डॉक्टर आपको गिराता है डराता है, बोलते हैं तेरी रिपोर्ट में ट्यूमर है, तेरी रिपोर्ट में कैंसर है, तेरी रिपोर्ट में ये चीज आई है। एक औरत मेरे चर्च में आई, आप यूट्यूब पर गवाही सुनते हैं, परमेश्वर ने कहा कि पहाड़ को कह दे। अरे पहाड़ किसको बोल रहा है? कह रहा हूँ बीमारियों को कह दे, उन समस्याओं को कह दे उखड़ जा यीशु के नाम से। आपके सामने अगर पड़ी है, एक औरत आई प्रचार सुनने के बाद, उसको डॉक्टर ने कहा कि 25 साल से तू मां नहीं बनी, तेरे अंदर तो बच्चे दानी नहीं है, तू मां कैसे बन जाएगी? और जब वो आई मैंने कहा
परमेश्वर उस पहाड़ को हटा रहे हैं, जो तुझे बातें पहाड़ लग रही है हटा रहे हैं। उसके लिए प्रार्थना किया, ले एंड प्रे किया, प्रोफेसी किया और वो पूरे गांव के साथ आई और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, बिना बच्चे दानी भी उसको परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर दिया बेटे के साथ ही। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका विश्वास है दवाई पर, आपका विश्वास है कागज पर, आपका विश्वास है पैसे पर, स्टेटमेंट ठीक होगी तो मैं अमेरिका जा सकता हूँ, स्टेटमेंट ठीक होगी। मैं कह रहा हूँ हाँ, जो कायदे कानून है वो आपको करने और निभाने हैं, लेकिन अगर आप कहीं चूक गए हैं, विश्वास रखो परमेश्वर तुम्हारे लिए आज रात सब कुछ पूरा करने वाला है, यीशु मसीह का नाम है।